لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया है कि क़यामत के करीब की निशानियों में से एक निशानी है कि इंसान अपनी बीवी से जिना करेगा, तो अब बीवी से जिना कैसे हो सकता है? आया ये हदीस है? हदीस है तो किस किताब में है, इसके रावी कौन है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक तवील हदीस मरवी है। इमाम तबरानी इसको अल मुअज्जमुल औसत में लाते हैं, हदीस नंबर 4861। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, याति अला नासी ज़मानुन युतलक़ुर रिजालुल मरअ, कि एक आदमी अपनी बीवी को, एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, युतलक तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक कायम रखेगा कि गोया इनके दरमियान कोई तलाक ही नहीं हुई। तो फिर वो आदमी जब उस औरत से हम बिस्तरी करेगा तो ये दोनों जानी ही होंगे जब तक ये यूं करते रहेंगे। तो यही मतलब है इस हदीस मुबारक का कि अपनी बीवी से जिना करेगा यानी कि उसको तलाक दे देगा, तो तलाक देने के बाद तो मियाँ बीवी रहे नहीं, लेकिन उसका इनकार करके फिर उससे वही रिश्ता रखेगा जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। अल्लाह ताला हर गुनाह से, हर बुराई से महफूज रखे। अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सैयदिना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।